हाले तक तो इंडस्ट्री सारी बंद है। मैं समझता देखो जितने तक मेरा अपना सोचने का सवाल है, एक करफ्यू बढ़ाना चाहिए क्योंकि जोड़ा अपना ग्राफ है वो हले बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान का ग्राफ कटिया नहीं है, हले आप जो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज आ गए तो जिंदगी बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैं समझता जोड़ा करफ्यू हैगा ये फैसला सीएम साहब ने पीएम साहब ने करना, पर मेरी अपनी सोच कहती है कि यह करफ्यू जरूर बढ़ाना चाहिए। जब तक अपने ग्राफ ठंड नहीं पैंती या ढालनी पैंती उदों तक करफ्यू जारी होना चाहिए ताकि ये कम्यूनिटी स्प्रैडिंग आप बचा सकी। पंजाब सरकार के अधीन पहला भी उपराला होया कि जेडे बी पी एल स्कीम के जरिए गरीब लोगों छे महीने का राशन दिता गया और कई आपू इस गल का माण हासिल है। गोबिंदगढ़ तो एक भी प्रवासी इतों माइग्रेट होकर नहीं, और विशेष कारण यह रहा है कि हर नूं इत्थे रोटी वक्त मिलती रही है, समय मुताबिक उन्होंने को वख वख संस्थावां सहयोग दिंदियां रही हैं। और जिहड़ी संस्थावां बकायदा मेरे पूजनीय पिता जी स्वर्गीय सरदार गुरदर्शन सिंह नाभा फाउंडेशन ने हले तक तकरीबन 4300 लोड़वंद परिवारों को राशन पहुँचा दिता, और उवें ही मंडी गोबिंदगढ़ दियां यूथ वैलफेयर क्लब इजनाली, शिव मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, शाम नगर मंडी गोबिंदगढ़, साई के दीवाना क्लब, जय माँ काली वेलफेयर सोसाइटी, अनुपूर्णा रसोई सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, न्यू जनरेशन क्लब, शिव सुंदरम क्लब, ते श्री शाम मित्र मंडल, अमलोह दिया शीतला माता मंदिर ट्रस्ट, ते गौशाला अमलोह संमेव पर गौशाला रिशु गोयल जिहड़े तुहाडे पत्रकार हनगे, ते इत्थे दे साई मंदिर ते बिट्टू इन्हां दी टीम अते गोबिंदगढ़ वेलफेयर सोसाइटी इन्हां ने सारे ने सहयोग दिता। लगभग प्रवासियों नूं रोटी पहुँचाने का उपराला इन्हां ने किया, और अज जिहड़ा मेन मकसद सीगा सरकार वल्लों जिन्हां लोगों तक हले राहत नहीं पहुँची और 8000 साडे अमलोह हल्के नूं बैग दिते जा रहे हैं, जिहदे विचों तकरीबन 3700 की लिस्ट आइडेंटिफाई हुई है मंडी गोबिंदगढ़, और उवें ही अमलोह के तकरीबन 1700 हैं शहर के, पिंडा के 2000 हैं। इन्हां लोगों 8000 बैग पहुँचाए जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत पंजाब सरकार वालों अज की गई है, और जिन्हें भी जिमें बैग तैयार होंगे जाएंगे लाभपात्रां उवें तक जिन्हां नूं हाले तक यह मिलिया नहीं रोटी का समान या राशन का समान उन्हां तक यह पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और अति मंग की है सरकार वालों कि 8000 बैग सानू होर लोड पैनी है क्योंकि साढ़े अपने हल्के बकायदा प्रवासी लोग जो फैक्ट्री काम करते हैं उत्थे बकायदा वस रहे होंगे। नहीं देखो इंडस्ट्री बचाने बकायदा मैं उपराला किया सारे थोड़े व्हाट्सएप ग्रुपां च भी आया हुआ, और मैं मंग की थी कि जोड़े थोड़े मिनिमम फिक्स चार्जेस होंगे वो हले ठंडक पाई जाए उन्होंने, और उन्होंने जब तक यह हालात सुधरते नहीं उदों तक इसको बिल्कुल बंद किया जाए। और मैं धन्यवादी हाँ कि सरकार का मुख्यमंत्री साहब का जिन्होंने ये इंटरवीन करके फिक्स मिनिमम चार्जेस से बिल्कुल पाबंदी लगाती, और उम्मीद जिन्होंने बिजली के बिल आ रहे सन उन्होंने बकायदा राहत देने लिए ये मेरे तो वध मेरी मंग नहीं सी, लेकिन उन्होंने फिर भी 1% उन्होंने रियायत देने का उपराला किया, और उन्होंने भी पाबंदी लाती कि जब तक हालात सुधरते नहीं वो बिल भरने की लोड़ नहीं। इस तो बाद अपना रायत होर की इंडस्ट्री दे सकते, इंडस्ट्री को अज एक सहारा देने की लड़ है क्योंकि वह भी अपने कर्मचारियों एक सहारे के रूप रोटी दे रहे होंगे बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार का भी जिम्मेवारी बनती है। और मैं धन्यवादी हाँ सरकार का कि उन्होंने इसके तहत बकायदा ऐलान किया और मुख्यमंत्री साहब की इंटरवेंशन रही, और मैं तुम्हें दस के विशेष तौर पर खुशी होगी। मुबारकबाद देना चाहना एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस साथियों और साडे डॉक्टर साहबान और क्लास 4 इंपलॉयज और विशेष तौर पर वीडियो ब्लॉक में अपना पहला हल्का है जिदन तो 23 तारीख तो लॉकडाउन होया, अपने 94 के 94 पिंड 30 तारीख तक बकायदा सैनिटाइज किए गए, दोहे शहर अपने सैनिटाइज किए गए और दूजी बार द्वारा सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट चलिया जा रहा है। और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इससे मुबारकबाद देना चाहना क्योंकि पंजाब का पहला हल्का होना है जेडे पहले हफ्ते के अंदर अंदर सैनिटाइजेशन मुहिम मुकम्मल की गई, और पिंडा जी राहत है पिंड के लोग आप बकायदा सरकार ने उपराला किया 5000 तो लेकर 25000 तक बकायदा उन्होंने राशि का ऐलान किया है वित्त कमीशन के जरिए तुम वरतों कर सकते हो ताकि जोड़े गरीब लोग पिंडा चाहन उन्होंने भी राहत पहुँच सके, उन्होंने दुख ना झलना पे। और अज मैं बधाई दिना सारे गोबिंदगढ़ वासियों अमलोह वासियों जिन्होंने सानू सहयोग दिता वक् वक् संस्थावान ने नाल लग के सारे का कोटन कोट दिल की गहराइयों चो धन्यवाद करना क्योंकि यह समा राजनीतिकरण वाला नहीं है, यह समा है लोगों की जिंदगी बचा।